किसी की निंदा इस व्यासपीठ से ना निकले। किसी व्यक्ति विशेष के नाम से कोई शब्द, कोई निंदा इस व्यासपीठ से ना निकले, इस गादी से ना निकले। कारण निंदा का प्रतीक, निंदा का फल क्या है, निंदा का पाप क्या है, ये हमारे शास्त्र कहते आए। एक राजा ने एक भंडारा करा, ब्राह्मण भोज करा, सबको बुलाया, संत महात्मा गुरुजन सब भोजन करने के लिए आए। सब भोजन बन रहा था, खुले में एक चील उड़ी, उसने सांप पकड़ा, सांप लेकर उड़ी, सांप ने विष उगला, वो विष खीर में जाकर गिर गया, खीर में विष गिर गया। ब्राह्मण भोजन कर रहे थे, संत भोजन कर रहे थे, गुरुजन भोजन कर रहे थे, और सारे ब्राह्मण, सारे संत, सारे गुरु उस खीर को खाने के बाद मर गए। जितने भोजन कर रहे सब मर गए। धर्मराज की यहां सभा लग गई, चित्रगुप्त महाराज बैठे। चित्रगुप्त महाराज ने धर्मराज से पूछा, बताइए इतने सारे ब्राह्मण और संत मरे हैं, इसका पाप किसके माथे पर देना, इसका पाप किसके पल्लू में बांधना है, इतने ब्राह्मण इतने संत मरे, इसका पाप किसके माथे पर दिया जाए, राजा के माथे पर जिसने ब्राह्मण संत भोज रखा, उस सर्प के माथे पर जिसने अपना विष उगल दिया, उस चील के माथे पर जो सर्प लेकर जा रही थी, जो भोजन बना रहा है उसके माथे पर, इतने सारे ब्राह्मण संतों के मरने का पाप किसके माथे पर दिया जाए, बोलो धर्मराज बताइए। मैं किताब लेकर बैठा हूं, मुझे इसमें निर्णय देना है, आप बताओ किसके माथे पर दिया जाए। धर्मराज ने कहा, चार दिन रुक जाओ, उसके बाद में निर्णय लेंगे कि इसका पाप किसके माथे पर दिया जाए। चार दिन निकले, राजा के नगर में चार पांच संत ब्राह्मण और आ गए। उन्होंने एक स्त्री से पूछा, माता जी राजा का भवन कहाँ है। स्त्री ने पूछा, क्यों, हमें भूख लगी है तो राजा के भवन में हम भोजन करेंगे। स्त्री ने कहा, बाबा सामने राजा का भवन है, परंतु हमारे यहाँ का राजा ऐसा है कि भोजन में जहर मिलवाकर ब्राह्मण संतों को मार डालता है, ऐसा खोलड़ा राजा है हमारे यहाँ का, ऐसा बेकार राजा है हमारे यहाँ का। संत ब्राह्मण वापिस लौट गए। धर्मराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और बुलाकर कहा, जो ब्राह्मण और संत मरे थे उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया जाए, उनके मरने का पाप इस स्त्री के माथे पर डाल दिया जाए, क्योंकि इसने निंदा करी है, ये निंदा कर रही है। एक छोटी सी निंदा सामने वाले के पाप को हमारे माथे पर चढ़ा देती है। शिव मंदिर में जाना, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, देवाधिदेव महादेव के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, शिव के दरवाजे पर अगर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास अगर जाना, तो ये प्रयास कर कर जाना कि मैं शंकर के मंदिर में जब तक रहूं, मैं शंकर के मंदिर में जाऊं और आऊं, तब तक मेरे मुख से भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि किसी की निंदा ना निकल जाए, किसी की निंदा मेरे मुख से, किसी की निंदा ना बन सके तो हमसे भजन बने। आप अपने घर से लोटा भरकर जब जल लेकर निकलो ना, तो जल लेकर निकलो तो मुख से श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। जब आप निकले अपने घर से भगवान का मंत्र जाप करते हुए चले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चले, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलते हुए चलिए, भगवान का भजन गुनगुनाते हुए चलिए, यह मत सोचना कि कौन हमको देख रहा है कौन हमको नहीं देख रहा। आपकी चित्तवृत्ति को आप जितना शंकर से जोड़कर चलोगे, उतने आपकी जिंदगी की एक आनंद उत्पन्न हो जाए, अपने जीवन का एक सुख उत्पन्न हो जाए, अपने भजन के बल को बढ़ाइए, अपने भाव को बढ़ाइए, अपने भाव। कल हमने हमारे साथ में माननीय प्रकाश जी के साले जी, अभी हमको कृष्ण की भूमि कब निभा रहे हैं, रथ के सारथी बनकर लाना ले जाने का कार्य कर रहे हैं।
कल हमने उनसे पूछा, इतना तेज गर्मी पड़ रहा है और कई लोगों को खाना पीना भी होता है, पानी भी पीना होता है, 10 जगह का जल भी आता है, भोजन भी आता है, कोई पेट गड़बड़ हो रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, तो उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने के लिए क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे यहाँ के परतवाड़ा के जो विधायक महोदय हैं, बच्चू भैया ऐसा कुछ नाम उन्होंने बताया था, श्री बच्चू जी कुडू, कहा गुरुजी एक अस्थाई हॉस्पिटल बनाया गया हमारे कथास्थल के आसपास में, जिससे लोगों का इलाज हो सके। मैं माननीय विधायक महोदय बच्चू भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आपने ये व्यवस्था की, साधुता है। बताया कि कुछ बसें भी चलवाई जिससे निशुल्क लोग जाना आना कर रहे हैं, हम उनको बहुत साधुता देते, बहुत साधुता। एक विधायक होने पर ऐसा निर्मल भाव अगर आपके अंदर शंकर जी के प्रति है, तो ये शिव की ही कृपा है और आपके माता पिता की कृपा है, साधुता। अपने भाव को शुद्ध बनाए, और जब तक अपना भाव शुद्ध नहीं होगा ना, भगवान नहीं मिलेगा। एक बड़ी सुंदर बात आती है, संत बनना सरल है पर सरल बनना कठिन है। मेरी जीजियों, संत कोई भी बन सकता है पर सरल नहीं बन पाता। ये कंठी काई के लिए पहनते हो तुलसी की? जम के बोलो जरा, गले में तुलसी की कंठी काई के लिए पहनते हो? गले में रुद्राक्ष काई के लिए पहनते हो? गुरु जी से मंत्र काई के लिए लेते हो? गुरु दीक्षा काई के लिए लेते हो? बड़े बड़े अवधे पर जाकर बैठ जाए और आपने किसी गुरु से मंत्र लिया है, कंठी पहनी है, गले में अगर तुलसी की माला पहने हो, गले में अगर रुद्राक्ष की माला पहने हो, कंठी का मतलब होता है कि अपने कंठ से किसी की निंदा ना निकले, कंठी का मतलब है अपने कंठ से किसी की बुराई ना निकले, कंठी का मतलब है अपने मुख से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, तो समझ लो कि तुम किसी गुरु के चेले हो और तुम्हारा शास्त्र, तुम्हारा वेद, तुम्हारा पुराण तुमको ये बता रहा है कि तुमने उस कंठी को धारण करा है, तुमने अपने कंठ को शुद्ध कर लिया है। कंठी का मतलब केवल यह नहीं है कि हमने दिखावा कर दिया, कि हमने अपने गुरु का मंत्र ले लिया। कंठी का मतलब यह नहीं है कि हमने दिखावा कर लिया और हम उस गुरु के चेले हो गए ना। कंठी लेने का मतलब है कि कंठ से किसी के लिए अपशब्द ना निकले, कंठ से कोई आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, कर्म का फल भी पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म क्यों करना? कंठ में कंठी पहने हो और मुख से निंदा कर रहे हो, कंठ में कंठी पहने हो और अपने मुख से आप अपशब्द कह रहे हो, तो ये श्रेष्ठता नहीं बनती। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो फसल बोगे वही तुमको काटना पड़े। वही काट। मंदिर काय के लिए जाते हो? जम के बोलो जरा जल्दी से, मंदिर काय के लिए जाते हो? भगवान को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए, भगवान से मांगने के लिए? चलो अच्छा, इसको अपन बाद में सुनेंगे, पहले ये बताओ, जमीन किस किस के यहां पर है? खेती, खेती किस किस के पास में? हाथ उठाओ जरा, जमीन किस किस के पास में? चलो ठीक है, साधुता, भगवान आपकी और 2-4-6 बीघा और आगे बढ़ा। बहुत अच्छी फसल हुई, शायद इधर फसल को पीक कहते हैं, क्या कहते हैं? बहुत अच्छी पीक हुई, बहुत अच्छी फसल हुई, ढेर सारी फसल हुई, ढेर सारी पीक हुई,
उस फसल को कहां लेकर जाते हो फिर बाद में जब बहुत सारी हो जाती है तो? जम के बोलो, मंडी। कहां ले जाते हो? मंडी। पीक बहुत अच्छी हुई, फसल बहुत सारी हुई, गेहूं बहुत हो गया, सोयाबीन बहुत हो गया, कपास बहुत हो गया, जब फसल बहुत सारी हो गई तो हम इसको कहां लेकर गए? जम के बोलो, सब बोलो, कहां लेकर गए इसको? मंडी में लेकर गए। मंडी में ले जाकर हमने गाड़ी को उंडेल दिया, हमने गाड़ी को खाली कर, फसल ज्यादा हो गई, गेहूं ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, धान ज्यादा हो गया मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया मंडी ले गए, तो हमने वहां ले जाकर दे दिया। बोलो सही है कि गलत है? सब बोलो जितने बैठे हो, सही है। गेहूं ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया तो मंडी ले गए, धान ज्यादा हो गया मंडी ले गए, सोयाबीन ज्यादा हो गया मंडी ले गए, फसल ज्यादा हो गई तो मंडी ले गए, सब्जी ज्यादा हो गई तो मंडी ले गए। उसी तरह मंदिर क्यों जाते हैं? शिव पुराण कहते हैं जैसे फसल ज्यादा होती है तो मंडी ले जाई जाती है, पाप ज्यादा होता है तो महादेव के दरवाजे जाया जाता है। मंडी में जाकर फसल को खाली करा जाता है, और मंदिर में रोज जब हम देवाधिदेव महादेव को लोटा भर के जल चढ़ाने जाते हैं ना, तुमको तो मालूम भी नहीं पड़ता हमारे ऊपर जो जो पाप चढ़ा हुआ होता है वो धीरे धीरे जल चढ़ाते चढ़ाते जब हम महादेव के सामने अपने शीश को झुकाते हैं तो जैसे ट्राली बैलगाड़ी जैसे फसल की गाड़ी खाली हो जाती है, जब हम महादेव के आगे शीश झुकाते हैं तो हमारे ऊपर का पाप भी खाली हो जाता है। पाप भी खाली। फसल ज्यादा हो गई हम उसको मंडी ले गए, कपास ज्यादा हो गया मंडी ले गए, सोयाबीन ज्यादा हो गया मंडी ले गए, गेहूं ज्यादा हो गया मंडी ले गए। निवेदन है जब बहुत, और ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो पाप ना करता, सबके मुख से रोज झूठ निकलता, रोज सबके मुख से अपशब्द निकलता, हम कितना भी समझा दे तुमको तो भी तुम मुख से कुछ ना कुछ गाली निकल ही जाएगी, आड़ा टेढ़ा निकल ही जाएगा, हम कितना भी समझा, हम कितना भी बोल दे तुमको, तुम फिर भी कहीं ना कहीं हमारी वाणी से निकल जाता, कली काल है ना, कलयुग है ना, हम कितना भी समझा लें तो भी निकल जाएगा। तो क्या करना है हमको? फसल को मंडी लेकर जाओ तो इस शरीर को कहां लेकर जाना है? मंदिर लेकर जाना। फसल मंडी में जाती है वहां खाली हो जाती है, ये शरीर जब देव अधिदेव महादेव के उस मंदिर में उस देवालय में उस शिवालय में जब जाता है तो ये पाप भी हमारा खाली हो जाता है। पाप और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, हम परमात्मा के भरोसे, उसके आश्रित हो गए। इस मुख से निंदा ना निकले, इस मुख से अपशब्द ना निकले, कंठी पहनने के बाद कंठ से आड़ी टेढ़ी बात ना निकले। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, जिभ्या पे शिव जी का प्यार लिखना, मेरी इस जिभ्या पर मेरी इस वाणी पर भगवान का नाम लिखना, आप शब्द ना लिखे। संत बनने के लिए सरल बनना पड़ेगा, शंकर भगवान के लिए शंकर भोले हैं इसलिए भोला बनना पड़ेगा, जो जैसा है ना उसके जैसा वैसा बनना पड़ता है।
मेरी जीजियां बैठी है ना, जब ये बच्चे को भोजन कराती है ना, बूढ़े से बूढ़े लोग जब बच्चे के साथ खेलते हैं ना तो बच्चा बन जाते हैं। बोलो री जी, सही बात है। और क्या उसकी मम्मी भी क्या तोतरी बोले क्या? नहीं, पर बच्चे के साथ में उसको तोतरा बोलना पड़ता है। ले अब वो कितनी कितनी लीला करती है। वो कौआ आया, कौआ आया, कौआ आया, कौआ आया, फिर बच्चे को डराती भी। बच्चा अगर एकदम डरता है ना तो बाबा आया, बच्चा खूब रो रिया हो ना, खूब तेज रो रिया हो, तो माँ क्या कह देती है एकदम, बोलो बोलो जम के बोलो बाबा आया। बच्चा एकदम डर जाता है, रोना, अरे बोलो तो जम के बंद। थोड़ी देर के लिए देखेगा कहाँ आया, जब उसने देख लिया नहीं आया तो फिर माँ फिर चिल्लाती बाबा आया, बच्चा रोना बंद। शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा रो रहा है और माँ कह देती है बाबा आया, तो बच्चा रोना बंद कर देता है। संसार सागर में आप रो रहे हो और व्यास पीठ से सुन लो कि कोई तुमसे कह दे कि शंकर भगवान आएंगे और तेरा दुख मिटा कर जाएंगे, समझ लेना बाबा आएगा और दुख मिटा कर जाएगा। रोना बंद। मेरे बाबा दया कर लेना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया कर लेना, बाबा आ गया, बाबा आया, बच्चे ने रोना बंद करा। माँ को बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है, माँ को जैसा बूढ़ा व्यक्ति भी है ना तो बूढ़े के साथ बूढ़ा बनना पड़ता है, माता पिता को बच्चे के अनुकूल चलना पड़ता है, अनुकूल जैसा वो है उसके अनुकूल रहना पड़ेगा। तो क्या माँ बच्ची है, क्या घर का बुजुर्ग बच्चा है? पर बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ता है। उसी तरह मेरे महादेव भोले हैं, मेरे महादेव भोले भाले हैं, इसलिए उनका नाम है भोले शंकर। तो हमको क्या बनना पड़ेगा? महादेव जैसा भोला बनना पड़ेगा। जब आप भोले बन जाएंगे, महादेव आपके साथ हो जाएंगे, फिर आपका दुख महादेव का होगा, आपका दुख महादेव। एक पत्र है, प्रतिभा सतीश मसूरकार, मैं हीवरखेड़ तहसील तेलहारा जिला अकोला की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो। अच्छा आप हैं, श्री शिवाय नमस्ते, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम प्रतिभा सतीश मसूरकार है, मैं हीवरखेड़ तहसील तेलहारा जिला अकोला की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरु जी, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मुझे सोरायसिस की बीमारी थी, 13 साल से मेरे शरीर से खाल निकलती रहती थी, उसको कितना भी खुजा लो उसमें से खाल निकलती रहती थी, मैं खुजाल चलती रहती और सोरायसिस की बीमारी थी। 13 साल से 13 वर्ष से लगातार मेरी इलाज डॉक्टरों का करवा रही थी, और डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी मरते दम तक रहती है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं, बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, डॉक्टर ने कह दिया था। तब मैंने दवाई तो खा रही थी, टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, और टीवी पर कथा श्रवण करना प्रारंभ करा। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करती, उस जल को लाती, पीती और अपने शरीर पर लगा लेती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, जहां दवाइयां असर ना कर पाई, सोरायसिस की बीमारी मरते दम तक रहती है, लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने मुझे 4 महीने में अच्छा कर दिया, और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं और मेरी बीमारी भी ठीक है। ये शिव कथा, अब शरीर में मुझे वो बीमारी नहीं रही, शिव तत्वता शंकर हो भरी। एक माने एक लाइन लिखी है, देखिए, सो दीपिका सचिन राखोड़े पेंशन पूरा परत बड़ा की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह, कहीं बैठी है तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हूँ। सो दीपिका सचिन राखोड़े पेंशनपुरा परत बड़ा की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ, परत बड़ा की रहने वाली हूँ। मेरी लड़की खुशी सचिन राखोड़े 8 महीने की हुई
तब से जब वो 8 महीने की हुई तब से उसको एक गठान हो गई, और गठान डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अबे डॉक्टर सोनोग्राफी करवाए, जांच करवाई, जांच करने के बाद उसको ऑपरेशन का कह दिया। जब हमने ऑपरेशन का सुना तो हमने बच्ची छोटी है जानकर ऑपरेशन कैसे करा दे, हमने इतनी छोटी सी बच्ची का कैसे ऑपरेशन करा। तब हमने ऑपरेशन करने का मन से निकाल दिया और हमारी पड़ोसन के कहने से हमने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिव जी को जल चढ़ाते, वो जल लाकर अपनी बेटी को दे देते, बेटी की उम्र छोटी है और उसको ये गठान उसके बगल में हो गई। अब करें क्या गुरुदेव, 2.5 महीने तक हमने उस बच्ची को शंकर जी पे चढ़े हुए जल को पिलाते रहे और एक दिन उस बच्ची के जो गठान थी वो अपने आप फूट गई, और फूटते से ही उसकी गांठ में जो सामान था वो सब बाहर निकल गया और डॉक्टर के पास हम लेकर भागे तो डॉक्टर ने कहा ये तो कोई चमत्कार ही है जो तुम्हारी बेटी बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। सो दीपिका सचिन राठौड़े, पेंशनपुरा परतवाड़ा की रहने वाली हूँ, मेरा नाम बर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, आ जा बेटा। शरीर पूरा ठीक हो गया, हाथ वगैरह पूरे शरीर पर था। ठीक है ना शरीर, 13 वर्ष से सोरायसिस की बीमारी थी, पूरा शरीर खुजाते पूरे शरीर में थी, और देवाधिदेव महादेव ने आज पूरा शरीर बाबा की कृपा से ठीक हो गया। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नदी पाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो। अब दिल से उसको एक लोटा जल चढ़ा, आप दिल से उससे निवेदन करो। वो बेटी ने एक लाइन अच्छी लिखी है, प्रतिभा सतीश मसूरकार हीवर खेड़ा तेलाहारा जिला अकोला, इन्होंने एक लाइन अच्छी लिखी है, मैं शिव जी के मंदिर में जाकर कहती थी कि बाबा मेरे भरोसे को टूटने मत दे। लाइन अच्छी है, मेरे भरोसे को टूटने मत दे। और यदि भरोसा पक्का है ना, शंकर जी को रामचरितमानस में विश्वास कहा, तुलसीदास जी कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास। मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, अगर आपका विश्वास पक्का है ना, अगर विश्वास पक्का है तो ये निश्चित है कि मेरा महादेव तुम्हारी झोली भरने में देरी नहीं करेगा, पक्का। भरोसा दृढ़ी रखना, भरोसे को कम मत होने दो। और जो कहते हैं भगवान हमारी नहीं सुनता, उनसे निवेदन करूंगा किसी कथा के पंडाल में बैठकर, जब कुबेरेश्वर धाम से मेरा कुबेर भंडारी कथा वाचने के लिए आया हो, मेरा कुबेरेश्वर धाम से कुबेर भंडारी जब कथा वाचने के लिए आए, उस पंडाल में 7 दिन 5 दिन बैठकर विनती कर देखना, अगले पंडाल में तू खुद पत्र लेकर पहुंचेगी कि मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। विनय करिए, अपने भीतर हम बहुत सारे वो जैसे कचरे की गाड़ी होती है, तो कचरे की गाड़ी में अगर कचरा भरा रहे तो कचरा सड़ता है, उससे गाड़ी भी जम के बोलो सड़ती है। अनाज की गाड़ी में अनाज भरा रहे तो अनाज सड़ जाता है, अनाज सड़ा तो नीचे से गाड़ी सड़ जाती है।
आपने जो अपने अंदर भर कर रखा है वो हमारे शरीर को सड़ा रहा है। आपने कपट भर के रखा है तो वो कपट हमारे शरीर को सड़ा रहा है। आपने गंदे विचार भर कर रखे हैं तो गंदे विचार हमको सड़ा रहा है। अहंकार भर के रखा है तो अहंकार हमको सड़ा रहा है। अपने भीतर जो हमने भरा, इसलिए कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, अनाज की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, बर्तन में पानी भरा है तो उसको खाली करना जरूरी है, वरना जंग लग जाएगी। प्लास्टिक की बाल्टी होगी तो बाल्टी चिकनी हो जाएगी, पाना पानी भरा रहेगा तो उसमें कई जम जाएगी। इसलिए कपड़ा पानी में पड़ा रहेगा तो वो पानी में कपड़ा भी बेकार हो जाएगा। शास्त्र कहता है खाली करना, डब्बे में भरा है खाली करो, बाल्टी में भरा है खाली करो, कचरा भरा है खाली करो, अनाज भरा है खाली करो, कुएं में पानी भरा है कुएं को भी खाली करना जरूरी है। अगर कुआं खाली नहीं होगा तो पानी बदबू मारने लगेगा, कुएं को भी खाली करना जरूरी है। उसी तरह कुएं को खाली करना जरूरी है, तालाब को खाली करना जरूरी है, अनाज की गाड़ी को खाली करना जरूरी है, कचरे की गाड़ी को खाली करना जरूरी है। तो एक बात याद रखना, अपने दिल को भी महादेव के सामने कहकर खाली करना जरूरी है। खाली करो, ज्यादा दबा दबा कर रखोगे ना तो वो कहते हैं ना, ज्यादा दबा दबा के खाओगे तो दबा खाने जाओगे। अरे बोलो तो जम के एक बार फिर से बोलो, दबा दबा कर खाओगे दबा खाने जाओगे। इसलिए शास्त्र कहता है दो हिस्सा खाओ, एक हिस्सा पानी के लिए रखो और एक हिस्सा थोड़ी सांस लेने के लिए रख ले दम। परंतु व्यक्ति सोचता है बिस्कुट आ रहा है आन दो, पानी आ रहा है आन दो, कोल्ड ड्रिंक आ रहा है आन दो, कुरकुरे आ रहे आन दो, वेपर्स आ रहे आन दो, सब ले लेके रख लिया और पूरी कथा में कथा तो कम सुनी और दिन भर बैठी 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 अब इतना खा लिया कि अब लोटा अब इतना खाया तो फिर अब विचार कर रही कहां से निकलूं, कहां से जाऊं, सारी जनता भरी पड़ी है कहां करूं। कथा में बैठो ना तो पानी भी उतनी मात्रा में पियो जितना शरीर को लगे, मालूम पड़े ज्यादा पी लो तो 25 बार किधर से जाऊं। जो दवा दवा कर खाता है वही दवा खाने जाता है। इसलिए भीतर अपने अहंकार को इतना मत भर लो, काम को इतना मत भर लो, लोभ तृष्णा आसक्ति को इतना मत भर लो। दवा के भरोगे ना तो फिर दवा खाने तो जाना ही। फिर अंदर इतना भर लिया, उसने मेरे को ये बोल दिया, रखते गए रखते गए रखते गए, उसने ऐसा कर दिया, रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए भीतर। एक उत्तर प्रदेश में एक महादेव का मंदिर है गंगा नदी के तट पर। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है गंगा नदी के तट पर, हडिम्बेश्वर महादेव, आप सब उसका नाम बोलेंगे हडिम्बेश्वर। हिडिम्बा जो थी वो भीम की धर्मपत्नी थी, उसी के नाम से ये मंदिर है हडिम्बेश्वर महादेव। कौन सा मंदिर, जम के बोलो जरा सभी लोग, हडिम्बेश्वर महादेव। हमीरपुरा उत्तर प्रदेश गंगा नदी के तट पर ये मंदिर है। कौन ने निर्माण किया, कौन ने बनाया, अगर हमारे शास्त्रों को उठाकर देखा जाए तो उसमें वर्णन आता है हडिम्बेश्वर महादेव जब पांडव वन में विचरण कर रहे थे और भीम पहरा दे रहे थे, हडिम्ब की बहन हिडिम्बा उसने देख लिया भीम को देखा, पेड़ पर चढ़ के बैठ गई हिडिम्बा भीम को देख रही। सुबह सुबह भीम ने ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर स्नान करा, एक शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का भीम ने निर्माण करा, पेड़ों की पत्ती तोड़कर भीम लाया और उस शिवलिंग पर समर्पित कर दिया। हिडिम्बा देख रही हमीरपुरा उत्तर प्रदेश में हडिम्बेश्वर महादेव गंगा नदी के तट पर, जो उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं वो दर्शन करते होंगे वहां। हिडिम्बा देख रही है भीम ने ब्रह्म मुहूर्त में एक शिवलिंग का निर्माण करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, वृक्ष की पत्ती तोड़कर लाया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया, हाथ जोड़ के बैठ गए। हिडिम्बा राक्षसी, उसकी वृत्ति अच्छी नहीं थी, उसका विचार अच्छा नहीं था, वो तो भीम को खाने को आई थी, वो भीम को मारने के लिए आई थी, पांडवों के प्राण लेने के लिए आई थी, प्राण
ग्रहण करने के लिए, प्राणों को नोचने के लिए आई थी, वो समाप्त करने के लिए आई थी, पर वो हिडिंबा बैठ गई पेड़ पर, वृक्ष पर, भीम को देखती रही। एक दिन निकल गया, भीम को देखती रही। दो दिन निकल गया, भीम को देखती रही। हिडिंबा से रहा नहीं गया, हिडिंबा से रहा नहीं गया। तब हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर एक मुनि के पास में पहुंच गई। हिडिंबा एक सुंदर स्त्री का रूप रखकर, एक अभी तक राक्षसी भी ग्रह था उसका, अभी तक राक्षसी शरीर था उसका। जैसे श्रीमद् भागवत में कथा आती है पूतना की, राक्षसी थी पर भगवान को दूध पिलाने के लिए जब जाती है तो बड़ी सुंदर गोपी का रूप रखकर जाती है, बड़ी सुंदर बनकर जाती है पूतना, बड़ी सुंदर स्तनपान कराने के लिए जाती है। उसका नाम था पूतना, जो घर में पूत ना रहने दे, उसका नाम पूतना था। बड़ी सुंदर, अति रमणीय बनकर पूतना चली जाती है भगवान कृष्ण के सम्मुख में। यशोदा जी ने पूछा, तुम कौन हो? पूतना कहती है, मैं ब्रज की गोपी हूं। क्यों आई हो? जब लाला का जन्म हुआ तो बधाई लेने नहीं आई थी, इसलिए आज बधाई लेने के लिए आई। अच्छा, हाँ, शंकर भगवान आए थे, यशोदा जी ने लाला को शिव जी की गोद में नहीं दिया था, पूतना सुंदर रूप रखकर आई तो लाला को गोदी में दे दिया। यशोदा जी ने कहा, बहन तू इसको संभाल, मैं तेरे लिए बधाई लेकर आती हूँ। भगवान कृष्ण ने सुन लिया था कि इसने मुझे पूतना को बहन बोला है, तो मेरी मैया यशोदा की ये बहन है तो मेरी मासी है। अब भगवान कृष्ण को क्या मालूम था कि ये मासी नहीं, गले की फांसी है। उनको क्या मालूम? अब क्या करा भगवान कृष्ण ने? ये हिडिंबा का चरित्र चल रहा है, उसमें अपन समझे जरा पूतना का चरित्र। पूतना ने क्या करा? भगवान कृष्ण को दूध पिलाना प्रारंभ करा, क्योंकि विष स्तनों में विष लगाकर लेकर आई थी, दूध पिलाना प्रारंभ करा। और भगवान भी बड़े चतुर, भगवान भी बड़े चतुर, और भगवान ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा। पूतना जब तक दूध दे रही थी, स्तनपान करा रही थी, तब तक भगवान ने पिया, और दूध के बाद में जब पूतना ने विष देना चालू करा, तब भगवान ने पूतना के प्राणों को हर लिया। अब भागवत में एक संवाद बड़ा विचित्र आता है कि भगवान ने पूतना का स्तनपान क्यों किया? मैया यशोदा का स्तनपान करना था, फिर पूतना का क्यों करा? भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को क्यों पिया, स्तनपान क्यों करा? श्रीमद् भागवत में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के अंदर वर्णन करते हैं कि यह पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। ये पूतना सारे ब्रज के बच्चों को स्तनपान कराती कराती आ रही थी। बच्चों के प्राण स्तनपान करने से छूट रहे थे, मर रहे थे, तो जितने बच्चों के प्राण छूटते थे वो मुख से छूटते थे दूध पीते पीते, तो प्राण पूतना के स्तन में भर चुके थे। सारे ब्रजवासियों के बच्चों के प्राण पूतना के स्तन में भरे हुए थे। तब भगवान कृष्ण ने विचार करा, इसके स्तन में सारे ब्रज के बच्चों के प्राण भरे हैं, दूध पीऊंगा तो इन सभी प्राणों को मैं निकाल कर अपने उदर में रख लूंगा, क्योंकि ये ब्रजवासी के प्राण हैं और ब्रजवासी मुझे प्राणों से प्रिय हैं। भगवान कृष्ण ने पूतना के दूध को पीना प्रारंभ करा और पीते पीते सारे प्राण निकालकर अपने पेट में रख लिए, उदर में रख लिए। अब उदर में वो प्राण रह गए, छोटे छोटे ब्रजवासी के बच्चों के प्राण भगवान के पेट में रह गए। समय आया भगवान धेनु चराने के लिए जाते, उससे पहले भगवान जब बाल्यावस्था में थे तो भगवान ने मिट्टी को उठाकर खा लिया। बोलो कथा सुनी कि नहीं सुनी सबने? जम के तो बोलो जरा, सुनिए ना। भगवान ने क्या करा? अपने चरण की रज को उठाकर खाया, अपने पांव की मिट्टी को भगवान कृष्ण खा रहे, अपने चरण की रज को भगवान खा रहे। अब दुनिया के लोगों ने कुछ भी बोला हो कि चरण की रज क्यों खाई, माता को ब्रह्मांड का दर्शन कराना था, पृथ्वी का दर्शन कराना था, पूरे विश्व का दर्शन कराना था, पर भगवान कृष्ण से कोई पूछे कि तुमने ब्रज की रज अपने मुख में क्यों खाई, तब भगवान कृष्ण का वाक्य रहेगा, जिन ब्रजवासियों के प्राण पूतना ने हरे थे उनके प्राण मैंने स्तन में से निकाल कर अपने पेट में रखे थे, ये बाहर के ब्रजवासियों का उद्धार तो मेरे चरण की रज से हो जाएगा, पर जो अंदर ब्रजवासी पड़े हुए हैं इनका उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने अपनी चरण की रज खुद खा ली और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर, अपने चरण की रज स्वयं का। अपने चरण हिडिंबा देख रही है, जैसे पूतना सुंदर स्त्री का रूप रख कर गई थी, वैसे हिडिंबा बड़ी सुंदर रूप धर कर गई, एक मुनि के सामने पहुंच गई। अर्भंग मुनि अपने वेश में आनंद लेते हुए चल रहे थे, चरण प्रणाम
हिडिंबा ने सुंदर स्त्री का रूप रखकर पहली बार किसी मुनि को प्रणाम करा। ये जब जब साधु संतों को देखती थी तो खा जाती थी, आज पहली बार प्रणाम कर रही है। जरा विचार करिएगा, भीम को शिवलिंग की पूजन करते हुए देखा तो हिडिंबा का विचार बदल गया, अब उसने मुनि को संत को खाया नहीं, उनको प्रणाम किया। लोग कहते हैं, इतने सारे लोग कथा में आते हैं, क्या सबका मन बदल जाता है? हम कहें नहीं बदलता, थोड़ा बहुत तो असर आता होगा, थोड़ा बहुत भी अगर असर आ गया ना शंकर की भक्ति का तो बहुत है, उतना धीरे धीरे रमता जाए। और महाराज अभी तक हिडिंबा ने मुनि को संत को साधु को सन्यासी को पकड़कर खाया था, आज पहली बार मुनिवर के हाथ में हाथ जोड़ रही है हिडिंबा, और हिडिंबा ने हाथ जोड़ा मुनिवर को प्रणाम किया, नमन। मुनिवर से पूछा, मुनिवर मेरे को आपसे पूछना है, मैंने देखा है मिट्टी का कोई एक ऐसा पिंडी जैसा बनाता है और उसकी पूजन करता है, उसका विधान क्या है? हिडिंबा को मुनि ने कहा, ये पिंडी नहीं, ये शिवलिंग है, और जो शिवलिंग की आराधना करता है, सात वृक्ष की पत्ती को लाकर महादेव के ऊपर समर्पित करता है, उस भूलवश भी एक बेलपत्र अगर महादेव को चढ़ जाती है, मुनिवर ने कहा उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। हिडिंबा ने कहा जो मांगेंगे वो मिल जाएगा, मिल जाएगा। मैं जिस पुरुष को देखी हूं क्या वो मेरा पति बन जाएगा? बन जाएगा। तुम मांग कर देखो। राक्षसी ने केवल पूजन करते हुए देखा तो उसने मन में विचार कर, राक्षसी आपको अगर शंकर के मंदिर में जाता हुआ कोई देखे और मंदिर जाना चालू कर दे, समझ ले उसका कल्याण होने वाला है। आप शंकर की कथा में जा रहे हैं और कथा में जाते हुए, शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है, जब कोई नारी पुरुष बच्चा बूढ़ा कोई भी शिव पुराण की कथा सुनकर जब वो अपने गांव में जाता है तो गांव में जो उस मनुष्य का उस पुरुष का मात्र दर्शन कर लेते हैं तो उनके पितृ भी पार उतर जाते हैं, इतना वर्णन शिव पुराण में लिखा है। शिव महापुराण में लिखा है श्री शिवाय, जम के बोले जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर ले तो 71 पीढ़ी में करे हुए सारे पाप छिन्न हो जाते हैं और जीव तीर्थों के दर्शन का फल पा लेता है। उसका मुख का दर्शन, उसके केवल मुखाग्रविंद का दर्शन। अब इतने सारे आप लोगों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जाते हो, लोग आपका दर्शन करते होंगे, मुख देखते होंगे, आपका चेहरा देखते होंगे, आपका स्वरूप देखते होंगे, कितनों का कल्याण कर देते हो, कितनों का। महाराज इसीलिए आप लोगों से कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं भाव की निर्मलता से परमात्मा की प्राप्ति। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शिव के करीब होने के बाद भी हमारा भाव निर्मल नहीं हो पाता। एक बार भगवान शिव विराजमान थे, पार्वती जी ने आकर उनके नेत्रों को बंद करा, पार्वती जी ने जैसे ही नेत्रों को बंद करा तो एक अश्रु की बूंद गिर गई जिससे एक बच्चे ने जन्म ले लिया जिसका नाम अंधकासुर था। अंधक, अंधकासुर, छोटा सा बच्चा माता पार्वती जी ने गोदी में उठा लिया। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती ये कौन है? पार्वती जी कहती है मैंने जब आपके नेत्र बंद करे तो ये बच्चे ने जन्म लिया आपके आंसू से, आपके अश्रु से। कभी कभी ऐसा होता है जो शंकर के करीब में भी है ना वो भी शिव से दूर। मेरी जीजियों, कुछ बातें ऐसी होती है जो हम व्यासपीठ पर भी लेकर नहीं आते। त्रिपुंड लगा लिया, तिलक लगा लिया, भगवान की आरती पूजन भी कर रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, पर विश्वास परमात्मा के चरणों के प्रति जागृत नहीं हुआ। एक छोटा सा बच्चा, एक लड़का जो जन्म से ही नहीं बोलता, जन्म से ही नहीं सुनता, देखिए उसका पत्र है, तो
उसका एक सर्टिफिकेट भी लगाया गया है, जो जन्म से ही ना सुनता है ना बोलता है, उसका साथ में लगाया गया कार्ड। मेरा नाम ज्योति गोपाल भूरेवाल है, मैं जालना महाराष्ट्र से हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, बच्चा आया है क्या साथ में? लिया इसको, लिया लिया। मेरा नाम ज्योति गोपाल भूरेवाल है, मैं जालना महाराष्ट्र से हूँ। मेरे बेटे का नाम उमेश भूरेवाल है, उसे बचपन से सुनना बोलना नहीं आता। जब से हमने भगवान देवदत्त महादेव की शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, बेटे को एक बार कान में मशीन भी फिट करवाई तो भी वो सुन नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था। बचपन से ही उसका यह क्रम था। हम बड़े परेशान हो गए, बच्चे का जीवन क्या करा जाए। एक महिला को मंदिर जाते हुए देखा तो हमने उनसे पूछा, आप कहां जाती हो रोज जल लेकर? तो कहीं शिव जी के मंदिर। हमने भी अपने बच्चे के लिए शंकर जी के मंदिर जाना चालू किया और शंकर जी को जल चढ़ाते और उन पर चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बच्चे को दे देते, पानी चढ़ा हुआ लाकर अपने बच्चे को पिला देते। गुरुदेव, जिस बच्चे के लिए डॉक्टर ने भी प्रमाण दे दिया, बोल नहीं सकता सुन नहीं सकता, आज मैं बाबा के सामने छाती ठोक कर कह सकता हूं कि मेरा बच्चा शिवजी पे चढ़े हुए जल को और बेलपत्र से सुनना भी चालू करा और बोलना भी चालू। अब मेरा बच्चा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बोलना भी चालू कर दिया और सुनना। कार्डलेस दे। एक बार वापिस आवाज तेज करो इसकी, फिर बोलो। दिया भंडार काशी वाले ने, कहिया माला मान काशी वाले ने। शिव है, उसका प्रमाण पत्र लगा है जिसमें उसकी वाणी और उसकी श्रवण शक्ति बचपन से नहीं, ओघड़ दानी है। कोई हमसे पूछे तुम्हारी शिव पुराण में है क्या, हम कहते हैं एक बार दिल से सुनकर तो देख, तब मालूम पड़ेगा कि शिव पुराण में है क्या। क्या देता एक पत्र हो रहे। मेरा नाम कोमल कुणाल हाटेल है, मेरा नाम कोमल कुणाल हाटेल परतवाड़ा आठवाड़ी बाजार पेंशनपुरा से हूँ। कहीं बैठी हो आती है, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरा नाम कोमल कुणाल पटेल हाटेल, मैं परतवाड़ा आठवाड़ी बाजार पेंशनपुरा से हूँ। भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव, मेरी छाती में दर्द हुआ, मालूम पड़ा सोनोग्राफी में कि गठान हो गई। जब छाती में गांठ हुई, डॉक्टरों ने उसकी जांचें प्रारंभ कर दी और जांच करने पर मालूम पड़ा कि वो गठान कैंसर की है। जब गठान कैंसर की थी, जांच बाहर भी गई और सारी जांचें होकर आई तो मालूम पड़ा कि मुझे
छाती में जो गठान हुई थी वो कैंसर। खूब रोई मैं, सोचने लगी कि अब जिंदगी क्या बची, क्या करूं। गुरुदेव, एक बार केवल मोबाइल पर आपकी कथा थोड़ी सी किसी ने भेजी थी और वो मैंने सुनी, मेरा विश्वास हो गया। अब डॉक्टर के पास मैं अगली जांच जब कराऊंगी, जब देवदीदेव महादेव के सीहोर होकर जाऊंगी। बाबा के धाम गई, रुद्राक्ष चलाई, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, बेलपत्री को उठाकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाना प्रारंभ करा। और दूसरी बार फिर मेरी जांच होना प्रारंभ हुई तो जो कैंसर की गठान थी, डॉक्टर ने जांच कर मुंबई में कह दिया वो पानी की गठान है, वो कैंसर की नहीं। बाबा ने चार हॉस्पिटल में मुझे कैंसर बताया गया और अगला हॉस्पिटल ऐसा था कि भोलेनाथ जी की कृपा से मुझे कैंसर नहीं निकला। ये शिव की आराधना, ये शंकर की कृपा, मैं शिव का क्या गुणगान। महाराज, उसको समझना कठिन, शिव को जानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। हमारा क्या है, हम तो ये आज कथा का छठा दिन हो जाएगा, कल सातवां दिन, सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कथा हो जाएगी, 7 दिन पूरे करके परतवाड़ा से सीहोर चले जाएंगे, 16 तारीख से वापिस कथा छत्तीसगढ़ कुरुद में प्रारंभ हो जाएगी, धन्वंतरी जिले में। तो ये सब शिव की ही तो कृपा, शंकर की ही तो कृपा। वहां कथा प्रारंभ हो जाएगी छत्तीसगढ़ में। हम छत्तीसगढ़ वालों से निवेदन करते हैं, मौका मिल रहा है कथा सुनने का, छोड़ना नहीं। 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनने को मिलेगी, आप आनंद लो उस कथा को। आपसे भी कहते हैं, टीवी पर कथा आए ना, तुम्हारा मन लगे ना लगे, चित्त लगे ना लगे, तुम्हारा मन है कथा सुनने का नहीं है, तो भी अपने घर की टीवी को चालू कर रखो, कम से कम शिव पुराण का थोड़ा सा शब्द आपके घर में पहुंचेगा, तो घर में भी अगर कुछ तकलीफ होगी तो बाहर नहीं। इतनी करोड़ों लोग, लाखों लोग एक साथ में जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं तो आधी ऊर्जा तो वैसे ही प्रबल हो जाती है, ना जाने कितने रोग, ना जाने कितनी तकलीफें समाप्त हो जाती है। मेरी जीजियों, पत्र तो इतने हैं कि हम उसको पढ़ नहीं सकते, वो तो जो पढ़ाई में आ जाते हैं दो चार आपको बोल देते, नहीं तो इन पत्रों की संख्या नीचे रखने की जगह नहीं है, इतने पत्र हैं, इतना पत्र इकट्ठा हुआ। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी, ओ मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, सबसे बढ़िया है सबसे खरी, ओ भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी। मेरी किस्मत का जब गुलकिला तब जाकर के ये दर मिला, मेरी किस्मत का जब गुलकिला तब जाकर के ये दर मिला, अब तो हो गई है रहमत तेरी, अब तो हो गई है रहमत तेरी, सबसे
से बढ़िया है सबसे करी हो भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे करी हिडिंबा ने मुनि से पूछा जो हिडिंबा राक्षस प्रवृत्ति की थी वो पूछ असुर प्रवृत्ति की थी जो हिडिंबा वो पूछ रही है क्या भोलेनाथ जी से मांगो तो मिल जाता है। हाँ हिडिंबा ने एक शिवलिंग की स्थापना करी अखंड हिडिंबा वहां बैठ अखंड उठती नहीं है जाती नहीं है कहीं नहीं कहीं नहीं जाती है केवल भजन में लीन। हिडिंबा ने एक नियम बड़ा प्रबल बनाया बेलपत्र को तो हिडिंबा पहचानती नहीं थी आसुरी प्रवृत्ति की थी राक्षस प्रवृत्ति की थी बेलपत्र को नहीं जानती आसुरी प्रवृत्ति में अब वो कहां बेलपत्र देखेगी। हमने पहले भी कथा में कहा यदि आप शिवपुराण की कथा में पहुंचे हो मंदिर तक पहुंचे हो तो कहीं ना कहीं शिव की कृपा है। अगर ये श्री ओम प्रकाश जी श्री प्रकाश जी जायसवाल कथा करवा रहे हैं तो हमने पहले भी कहा इनके माता पिता की कोई पुण्याई होगी तो ये शिवपुराण की कथा जायसवाल परिवार में है। सुनने वाले की भी पुण्याई है कथा करवाने वाले की भी पुण्याई है और कथा बाचने वाले की भी पुण्याई है। पर उसमें सबसे प्रबल पुण्याई है यजमान परिवार की और एक आपकी सबसे बड़ी पुण्याई जो ये कथा आपने करवाई और आप श्रवण कर रहे हो और ये बाबा कुबेर भंडारी इस कथा को बांच रहा है। ओ बाबा तुमने आई है भरतवाड़ा वालों जरा विचार करिएगा बैसाख महीने में तुम लोग इतना दान करते क्या बोलो जम के बोलो इतना पानी पिलाया तुमने इतना लोगों को चाय पिलाई वो सामने एक बड़ा स्टॉल लगा है जय झूलेलाल समिति मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं लगातार प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रसाद में कभी चना कभी कुछ पूरे टाइम ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए उन्हें हलवाई में ही रख रखा है बनाते जा रहा है लगाते जा रहा है। हम रस्ते से जाते हैं बीच में जगह जगह पर कोई ने शरबत का स्टॉल लगा रखा है कोई ने पानी का स्टॉल लगा रखा है और ऐसे कई भगत हैं जिनका तो नाम हमको आता भी नहीं हम तो बस गाड़ी से निकलते हैं तो देख लेते हैं तो ध्यान में आ जाता है तो बोल लेते हैं ऐसे बहुत भगत है। आप में कई माताएं ऐसी हैं ऐसा एल्युमिनियम का इतना बड़ा डब्बा उसमें भर के लिया ही पोहा उपमा खिचड़ी और अपने पास में लेके बैठ गई जो आसपास की माताएं उनको धीरे धीरे कथा भी सुनती जा रही और निकाल निकाल के देती जा रही। धन्य है मेरी परतवाड़ा की जीजियों मैं आपको नमन करता हूं प्रणाम करता हूं। और ये खाली नहीं रहेगा तुम्हारा जो तुमने जो भंडार लुटाया है ना लोगों को जो खिलाया है लोगों को जो दिया है ना ये खाली नहीं रहेगा ये खाली नहीं रहेगा। हमारे बीच में माननीय विधायक श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं जिन्होंने अमरावती में बहुत सुंदर शिव महापुराण कथा का वाचन करवाया और जनमानस में प्रेरणा दी है। आपका दिया गया आपका खिलाया गया खाली नहीं जाने वाला ये पुण्य आपके साथ में ये पुण्य आपका है। हिडिंबा बैठ गई और हिडिंबा बैठकर भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र तो जानती नहीं थी पत्तियां तोड़कर लिया थी पेड़ पौधों की वृक्षों की ओर वो शिव जी पे चढ़ा देती। और हिडिंबा लगी भगवान शंकर की आराधना करने हिडिंबा भगवान शिव की आराधना में डूबने लगी। मंत्र नहीं जानती है हिडिंबा शिव जी के मंत्र जाप को नहीं जानती है हिडिंबा शंकर जी के मंत्र को नहीं जानती है हिडिंबा बस
पत्तियां तोड़ती है, शंकर जी को चढ़ा देती है और बैठी है। केवल पत्ती को तोड़ने के लिए, पत्ती लेने के लिए जाती है, उसके सिवाय वो कहीं नहीं जाती, शंकर जी के सामने बैठी रहती है। अब जिस मुनि ने उसको बोला था कि जो मांगोगे मिलेगा, वो विश्वास पक्का था हिडिंबा का कि जो मांगोगे मिलेगा, जैसे आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है, आप कथा पर विश्वास करते हो ना कि मैंने सुना है, शंकर सुनता है, एक लोटा जल चढ़ाएंगे वो सुनेगा, बेलपत्र चढ़ाएंगे सुनेगा, बेलपत्र खाएंगे रोग मुक्त होगा, तकलीफ मेरी मिट जाएगी, ये आपने सुना है, आप सुनते हो तो विश्वास जागृत होता है, विश्वास जागृत होता है तो शिव सुनता है, करता है। एक माने तो अपने बच्चे का पत्र तो लिखा ही है, साथ में फोटो भी लगा के भेजा और बाकायदा फ्रेम में मड़वा के भेजा और लिखा है बड़े मिश्रा जी और छोटे मिश्रा जी, फ्रेम में जड़वा के भेजा और उसने पत्र में लिखा है मेरे चार बच्चे, चारों बच्चों की शादी मैंने एक ही मंडप में करी है, तो लोग कहते थे तेरे यहां औलाद नहीं होगी, तेरी बच्चियों के घर संतान नहीं होगी, और वास्तवता थी कि बच्ची के घर में औलाद नहीं हो रही थी, कई साल निकल गए। तब आखिरी में सब जगह डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया, फिर हमने पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से जो बच्चे का सुख नहीं था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि पांचवा व्रत पूर्ण हुआ और मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं उसका फोटो लगा कर भेज दूंगा, आप भी देखो टीवी पर लगा, कहीं बैठी है क्या, क्या नाम है उसका, ललिता विनोद बड़ेल। मैं वाल्मीकि नगर जिला वाशिम की रहवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी है। अच्छा बच्चे को नहीं लाए क्या, नहीं लाए ना, अच्छा अब तो नानी होगी इसकी, है ना शंभू, क्या लिखा है देखना जरा, कैच करिए। अच्छा बच्चे का नाम शिव शंभू रखा है, बहुत बहुत साधुवाद, बैठिए, बधाई आपको नानी जी को, शिव कृपा, शिव तत्व है। आप करो दिल से आराधना, आप करो दिल से पूजन, वो सुनेगा, वो महादेव है। हिडिंबा बैठ गई, पत्तियां तोड़ कर लाती, बैठ जाती, शंकर जी पे समर्पित कर देती, भगवान भोलेनाथ ने यह नहीं देखा कि तूने क्या चढ़ाया, भोलेनाथ जी ने यह नहीं देखा कि तेरा वस्त्र कौन सा है, भोलेनाथ जी ने यह नहीं देखा कि पकवान क्या लाया है। भगवान को कितने भोग लगते हैं, अरे जम के तो बोलो, लोग लिखते हैं 56 भोग लगते हैं, कितने भोग लगते हैं, महादेव को नहीं, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे नारायण को, मेरे गणेश जी को, सबको कितने भोग लगते हैं, 56। शिव महापुराण की कथा में बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को बड़ा सुंदर एक उपदेश दे रहा है, देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को उपदेश दे रहा है, उस उपदेश में माता पार्वती जी से कहते हैं पार्वती सुन, जैसे देवताओं को भोग लगते हैं ढेर सारे, उसी तरह मनुष्य को भी भोग भोगना पड़ते हैं ढेर सारे, इस मानव शरीर को भी भोग भोगना पड़ते हैं, कई दुख जिंदगी में आते जाते हैं, आते जाते हैं, भोगना, परंतु शंकर जी कहते हैं पार्वती उन भोग भोगने में भी जो मुझे याद रख लेता है मैं उसके दुख को समाप्त करता हूं, उसके दुख को। वो कहे अरे मेरा ये भरोसा कहीं टूट न गया, था भी मिला और पति के रूप में कुछ शिव के करीब होकर भी करीब नहीं हो पाते, जैसे अंधकासुर, अंधकासुर भगवान शंकर के नैन अश्रु से प्रकट हुआ, पार्वती जी कहती है मेरा पुत्र है, शंकर जी कहते हैं इसको पानी में फेंक दे समुद्र के अंदर, ये तेरा पुत्र नहीं है।
नेत्र बंद करने के बाद प्रकट हुआ है, फेंक दे जी। फेंक दे। अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने पाला, हिरण्याक्ष को वराह भगवान ने मार दिया। बालक अंधकासुर बड़ा हो गया, सत्ता स्थापित हो गई, तप बल ब्रह्मा जी से कर वर मांग लिया। वर दीजिए मुझे, ब्रह्मदेव ने कहा क्या वर चाहिए, मैं कभी मरूं ना, ये हो नहीं सकता, मरना तो पड़ेगा, जीवन मिला है तो मृत्यु साथ चली है, मरना तो पड़ेगा, तो मुझे वर दीजिए, यदि मैं मरूं तो मैंने अगर अपनी माता को गलत दृष्टि से देखा हो तो मरूं, क्योंकि अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरा जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ है, अंधकासुर को यह मालूम था कि मेरे कोई माता पिता नहीं है, अंधकासुर को यह मालूम था मेरी कोई माता है ही नहीं, और उसको यह नहीं मालूम था कि पार्वती ने तुझे गोदी में लिया था तो मातृत्व भाव से लिया था, तू उनका पुत्र कहलाया। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, सब दूर बात पहुंची कि अंधकासुर को शादी करना है, कोई अच्छी लड़की देखी जाए। कोई अच्छी पुत्री देखी, मालूम पड़ा जो अच्छी पुत्री थी वो तो शिवजी लेकर चले, क्रोधा जाओ शंकर भगवान की उस धर्म पत्नी को, पार्वती को मेरे लिए लेकर। कोई जाने को तैयार नहीं हुआ, तब अंधकासुर स्वयं गया। जो माता पार्वती जी को देखा, देखते से ही उनको लेने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए जागरूक हुआ। पार्वती मैया को क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा था अगर तुम अपनी माता को गलत दृष्टि से देखोगे तो तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार की सारी माताएं जब कोई पुरुष पर नारी को गलत भाव से देखता है तो वह अपने पूरे कुल को डुबो देता है। जैसे लंकाधिपति रावण ने माता जानकी को गलत भाव से देख लिया था, पूरा कुल डूब गया था, पूरा गलत भाव से देख। और ये जो नेत्र है ना, ये इनको बड़ा रोग लगा है, बहुत बहुत भयंकर रोग है नेत्रों को। दो चीजें नेत्रों को बड़ा भारी कहते हैं ना कि सारे पाप का भुगतान धर्मराज भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे होते हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान भोलेनाथ पृथ्वी पर भुगताते हैं। पहले नंबर का गर्भवती महिला को गाली देना, यह पाप है जिसका भुगतान मनुष्य देह में मानव को भोगना पड़ता है। गर्भवती नारी को गाली देना, अपशब्द कहना, हंसना, उस पर मनुष्य को भोगना पड़ता है। दूसरे नंबर पर रजोधर्म नारी, रजस्वला नारी, रजोधर्म धारण करी हुई नारी, चार दिन, तीन दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन घर में काम नहीं करती, रजोधर्म धारण करी हुई नारी को अगर कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, आड़े तेड़े संवाद कहता है, तो उस मनुष्य को पृथ्वी पर ही भोगना पड़ता है। सारे पापों का भुगतान धर्मराज ऊपर भुगताते हैं, पर दो पाप ऐसे हैं जिसका भुगतान मनुष्य को पृथ्वी पर भोगना पड़ता है, देवदत्त महादेव भुगतता है। एक गर्भवती नारी पर हंसना, गर्भवती नारी को ताना देना, गर्भवती नारी को अपशब्द कहना, और दूसरा रजो धर्म धारण करने वाली नारी, रजस्वला कोई स्त्री होती है, हम तो देवरानी जेठानी जितनी भी होती हैं अपनी कथा में कहते हैं, देखो सासू से भी कहते हैं, बहुओं से भी कहते हैं, घर में अगर तुम्हारी देवरानी रजस्वला धर्म से है और जेठानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो जेठानी से निवेदन है कि कभी भी देवरानी को उस रजो धर्म के समय पर अपशब्द मत कहना।
जेठानी रजो धर्म से है और देवरानी को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो देवरानी से निवेदन है कि जेठानी को अपशब्द ना कहे। ननंद रजो धर्म से है और भाभी को काम करना पड़ रहा है, या भाभी रजो धर्म से ननंद को काम करना पड़ रहा है, तो अपशब्द ना कहना, क्योंकि ये कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों में स्वयं कालाधिपति इसकी गणना करता है। इसलिए निवेदन है कि किसी भी रजो धर्म वाली स्त्री, देखिए रजो धर्म के समय पर माता द्रौपदी का केश पकड़कर खींचकर दुशासन लेकर आया था, जिसका भोग पूरे कौरवों को भोगना पड़ा था, और पूरे कौरवों को क्या, उस सभा में जितने बैठे थे, चाहे भीष्म पितामह बैठे हों, चाहे गुरु द्रोणाचार्य बैठे हों, चाहे धृतराष्ट्र बैठे हों, चाहे गांधारी बैठी हो, सबको भोगना पड़ा। ये पाप कर्म का भोग है, दो पाप, इनसे दूरी। कोई गर्भवती नारी है, ठीक है उसको कष्ट है, ठीक है वो अपना कष्ट कैसे सह रही है वो जानती है। उत्तरा का जब गर्भ जलने लगा, तब भगवान नारायण, भगवान कृष्ण उसके गर्भ में पहुंचे और गर्भ में परीक्षा करी थी, तो परीक्षित नाम हुआ था। भगवान कृष्ण ने कहा था, जिस नारी का गर्भ रहता उसकी रक्षा के लिए मैं उसके गर्भ में विराजमान रहता हूं। और गर्भवती नारी के ऊपर उपहास करना, या हंस देना, या गाली दे देना, या अपशब्द कर देना, कमेंट्स कर देना, ताने दे देना, आड़ा टेढ़ा बना, शिवपुराण कहती नहीं, अपशब्द ना कर, किसी को आड़ा टेढ़ा ना कर, किसी के लिए कोई कमेंट्स नहीं। कोई जहां आपको लगता है ना कि ये फालतू की बात चल रही है, तो उस समय पर नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कुछ नहीं, चुप, मौन हो जाओ, मौन। ये दुनिया का वो आभूषण है मौन, चुप रहना ही आनंद है, मौन हो जाओ। शिव कथा कह रही है, अंधकासुर के प्राण भगवान शंकर ने काल भैरव को प्रकट कर कर हर समय आया। माता पार्वती जी ने शिव जी से विनय करी और भगवान गणेश जी के मंगल विवाह के लिए आते। निवेदन है कल कथा सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रहेगी। जिन्होंने पूरी 6 दिन 7 दिन की कथा ना सुनी हो, वो कल की कथा जरूर सुन लेना। कहते हैं मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। शिवपुराण कहती है जब बाबा की कथा विराम लेती है तो भोलेनाथ भंडार लुटा कर जाए। बोल बम का नारा है।